माँ, माँ, क्या हुआ? एक कांस्टेबल को तुम्हारे बाबा की लाश मिली समंदर के किनारे। किसी ने इनको शूट किया है। सारी, बाबा को किसी ने शूट कर दिया है? किसने किया है? मेरे बाबा का खून किसने किया है? हम उन्हें खोज निकालेंगे ईशान। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा जिसने मेरे बाबा पर गोलियां चलाई। तुम पता करो, उसका पता चलना ही चाहिए। मैं उसे अपने हाथों से। ईशान, ईशान मेरे बेटे, अब और खून खराबा नहीं, तो किसी पे वार नहीं करेगा। माँ, मैं बाबा के हथियारों को कैसे माफ कर सकता हूँ? मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। और ये पुलिस का काम है बेटा। नहीं माँ, ये काम मेरा है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें ढूंढ कर। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे के हाथों पर किसी का खून नहीं लगने दूंगी। अपने बाबा पर हाथ रख और कसम खा, तू किसी की हत्या नहीं करेगा। पर किसी पर वार नहीं करेगा, किसी पे हथियार नहीं चलाएगा तू। लेकिन नहीं बेटे, वचन दे, वचन दे। वही करूंगा माँ, वही करूंगा। माँ, माँ, डॉक्टर! इससे पहले कि तुम्हें अखबारों से या किसी और से पता चले कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूं। मेरे पिताजी नाहर सिंह जोधा भाई के लिए काम करते थे और जोधा भाई अंडरवर्ल्ड के आदमी है। दरअसल वो अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन हैं। मेरे बाबा और जोधा भाई बंबई साथ साथ आए थे। मेरे बाबा ने जोधा भाई के खानदान के साथ वफादारी की सौगंध खाई थी, वही सौगंध मुझे भी खानी पड़ी। सुमन, आज तक मैंने तुम्हें अपने बारे में सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, और आज सब कुछ बताने की हिम्मत कर पाया हूं तो तुम्हारी वजह से। मैं अब तुम्हें और धोखा नहीं देना चाहता। तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। सुमन, सच के लिए हर कीमत चुका सकने की हिम्मत मुझे तुमसे मिली है। तुम्हें खो सकने की हिम्मत भी मुझे तुमसे मिली है। सुमन, सुमन,
मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं जुल्म की जिंदगी छोड़ दूंगा, बदल जाऊंगा, मैं चाहे कुछ भी सहना पड़े। मेरा विश्वास करो सुमन। देखो इधर, कैसा लगा? खुशकिस्मती समझो तुम्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया है। जोधा भाई की पहुंच ऊंची है लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। इतना तो हमें पता चल गया है कि अमृता के मां बाप और भाई की हत्या में तुम शामिल थे। हम ये भी जानते हैं कि तुम अकेले नहीं थे, तीन और थे तुम्हारे साथ। कौन थे वो? अगर समझते हो कि चुप रहने से बच जाओगे तो तुम गलतफहमी में हो। जोधा भाई क्या करता है हम जानते हैं, तुम्हारा बाप जोधा भाई के लिए क्या करता था हम ये भी जानते हैं, तुम उसके लिए क्या करते हो हमें इसका अंदाजा है। हम सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि दूसरे लोग कौन थे जिनसे मिलकर तुमने अमृता के पूरे परिवार को मार डाला। लुक एट हर।